आपने आप दोनों के लिए आपने कब कब महसूस किया कि आपको एथलेटिक्स में ही आना है? पहली बात तो मैं भी एक गांव एरिया से हूँ। आवाज़ जा रहा है? तो जैसे कि हमारे अभी बच्चे जो भी है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, जो भी आए हुए हैं, हम भी ऐसे गांव से ही निकले थे। तो क्या गांव के इतना नॉलेज नहीं था स्पोर्ट्स का, लेकिन क्या है कि सर्विस के उस नाम पे तो लोग बोलते थे फिटनेस के लिए जाओ, आप उधर आर्मी में या पुलिस में इसके लिए जाना है, सीआरएसएफ में। तो उसके आधार से हम ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग करते करते जब हमने स्टेट या नेशनल तक ऐसे खेला तो एज हो गया था 20 ईयर्स का, तो मैं भी भर्ती नहीं हो पा रहा था। आर्मी के लिए बहुत ट्राई किया, कम से कम 8-9 बार किया, तब जाके हुआ। तो दिल में ऐसा लगा कि अभी इतना तक खेले स्टेट लेवल तक, तो अगर हम जॉब करेंगे तो गेम पक्का करेंगे, गेम पक्का करेंगे, लेकिन गेम कहाँ तक करेंगे ये दिल में नहीं था उतना, कि हमको नॉलेज भी नहीं था। जब हमने आर्मी ज्वाइन किया 2001 में, तो हमारे कोच मिले, तो क्या हम पहले ऐसे गांव में रहते थे, तो अपना अलाउड कुछ भी उल्टा पुल्टा ट्रेनिंग करते थे, लेकिन जब ज्वाइन करने के बाद तब तो हमको पता चला कि ट्रेनिंग क्या होता है, रिकवरी क्या होता है, डाइट क्या होता है। जब हमें वहाँ प्रॉपर गाइड किया कोच ने, तब तो मुझे वहाँ पे 4 साल लग गया मुझे अपने आप को फिट करने के लिए, एक टॉप लेवल में आने के लिए यार। अपने इंडिया में मेरे को 4 साल लग गया। 4 साल के बाद बहुत सारी प्रॉब्लमें कठिनाई आती रहती है अपने लाइफ में, लेकिन क्या है कि हमारा भी दिल टूट जा रहा था, जैसे आप लोगों का दिल टूट जाता होगा। ट्रेनिंग करते हो, समझ में नहीं आता है क्या करें, कैसे हमारा इम्प्रूवमेंट हो, समय निकलता जा रहा है, हम किसी के कोई लाइफ दिख नहीं रहा अपने लिए। कहीं ज़्यादा तो लेट तो नहीं कर रहा हूँ मैं? हाँ, तो हर तरह की बातें आप लोग के भी अंदर आ रहा होगा, लेकिन मैं तो यही आप लोग से रिक्वेस्ट किया, आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग ना हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत हारना ही नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है और उसके बाद उसके साथ साथ 100% आपको फोकस करके रखना है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। अगर आपने उस बीच के अंदर जो प्रॉब्लम है या कोई दिक्कतें आ रही हैं उसमें अगर आपने थोड़ा भी ब्रेक किया, फिर आपका डायरेक्शन किसी और साइड मुड़ जाएगा। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ, ऐसी बात नहीं। हर जो भी आज आप लोगों के बीच में जिनसन जॉनसन है, ये हमारे सेंटर की हैं। इन्होंने मैं समझ रहा, मैं जब था तो ये बेसा जूनियर ही है, हम लोग एक ही सेंटर के हैं। बहुत ही आज खुदा का यार, आज अलमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे जैसे जिनसन जॉनसन को एक हमारा कम से कम 8-9 साल के बाद हमारा मुलाकात हो गया। आज अपने ऑरेंज मीनिंग जो कंपनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो कि 5 साल के बाद जब मैंने, फिर बताता हूँ मैं, लोग 5 साल तक मैंने ट्रेनिंग किया ना, जब 5 साल, 6ठे साल में मैं जाके इंडिया का टॉप हुआ, 6ठे साल में इंडिया का टॉप हुआ। मैं 10,000 मीटर करता था, 10,000, 5,000। तो 2006 में मैं हाफ मैराथन भागता हूँ दिल्ली में। दिल्ली में जो भी अभी एयरटेल हो रहा है ना, पहले वो हच वोडाफोन के नाम पे था, तो वो भागा, तो 2006 में फर्स्ट हुआ, तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन एक बात और याद रखना आप लोग, कि अगर जो कोच अगर आपको डायरेक्शन देता है ना, बताता है ना, उसको 100% आप लोग ना उसके जो बोलता है उसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि कोच ने मुझे भी ना एक बार ना मुझे भी गाइड किया था, जब मेरा दिल टूट गया, मेरे को बोला कि राम सिंह ट्रेनिंग करो, तो मैं बोला सर मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा। एक्चुअली मैं 2020 में शादी भी करके आ गया था, उतने अच्छे घर से था भी नहीं, तो शादी भी हो गया था 2003 में, फिर एक मेरे पास बच्चा भी हो गया, खर्चे बढ़ गए, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, घर से पैसे भी नहीं दे पा रहा हूँ, मम्मी पापा सोच रहे हैं क्या कर रहा है, फौज में तो सब फ्री का मिलता है, छुट्टी जाऊँ तो पैसे मांगे, एकदम दिमाग वो हो गया कि भाई भगवान अभी करूँ तो करूँ क्या, यहाँ मेरा कैरियर की बात है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कैसे इनको बताऊँ, ये मैं सोच रहा कैसे इनको मैं अपना प्रूफ दूँ, लेकिन कुछ नहीं, फिर मेरा दिल तो
टूट गया, मतलब कि एकदम होपलेस हो गया मैं। फिर आया मैं कोच को बोला कि कोच साहब अब मैं ट्रेनिंग नहीं करूँगा। बोले क्यों? मैंने उनको सारी कहानी बताया कि मैं ऐसे ऐसे शादी करके आया हूँ, घर पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है सर, गेम भी ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं। लेकिन उन्होंने ये, उनको क्या है कि मेरी पिक्चर ना उनको उनके मन में, उनके आँखों में ना उनको दिख गया था। उन्होंने बोला कि राम जी तू ऐसा कर कि अभी तुम 10,000-5,000 कर रहे हैं ना, इसके बाद तू हाफ मैराथन करना, हाफ से तू फुल करना, तो जो तेरा ये पैसा जो खर्चा हो रहा है ना ये तेरा सब मेंटेन हो जाएगा। तो लेकिन आप लोग की तरह था, जैसे कितना भी लगता है कि बताया जाए ना आप लोग का दिमाग में और नहीं है, मैं भी वैसे ही था, मेरे भी दिमाग में, मैं बोला नहीं साहब मैं करूँगा ही नहीं ट्रेनिंग। तो उन्होंने बोला ठीक है नहीं करेगा। तो एकदम मतलब ट्रेनिंग भी ऐसी चीज़ है ना कि जबरदस्ती नहीं हो सकता है। कोई सोचे प्रेस करके मैं इसको जबरदस्ती कराऊं, नहीं हो सकता है। कोई कितना भी बड़ा कोच हो नहीं करा सकता, आपके अंदर अंदर जुनून होना चाहिए करने का। तो मेरा वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना ट्रेनिंग दिया, कोच बोला कि राम सिंह कर कर, वो उनकी बात नहीं सुना। तो कोच साहब ने हमारे सीनियर जो हमारे थे वहाँ पे उनको बताया कि राम सिंह को समझाओ ये ट्रेनिंग नहीं करा, इसको मोटिवेट करो, होता रहता है प्रॉब्लम में आते रहती है। लेकिन सीनियर लोग भी मुझे समझाते गए राम सिंह तू कर ले कर ले, तू कर सकता है, अच्छा कर सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में बात घुसती नहीं, मैंने ट्रेनिंग बंद कर दिया। ट्रेनिंग बंद किया एक महीना, जब कोच साहब ने देखा कि राम सिंह नहीं मानेगा, जब मैं फिट था उसके बाद 15-20 दिन एक महीने के बाद जब देखा कि मेरा बॉडी फिगर मतलब बॉडी वेट बढ़ रहा है, मतलब कि मैं ख़राब हो रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरे कोच साहब ने डिसीजन लिया, बोला आज तुरंत का तुरंत तू जाएगा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा तू। क्योंकि मेरा वेट बढ़ रहा था, वेट बढ़ने का मतलब कि मतलब कि ख़राब हो रहा हूँ उनके सामने। तो कोई भी कोच होगा ना, चाहे वो उसका बच्चा क्यों ना हो, चाहे उसका एथलीट क्यों ना हो, अगर एक अच्छा कोच होगा ना तो अपने एथलीट का मतलब एथलीट को अपने बेटे के बेटे से ज़्यादा उसको लाइक करेगा। उस टाइम वो कोच सामने मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा लाइक करे, तो मुझे बोला तू मेरे सामने ख़राब हो रहा है, तू मेरे सामने से दूर हो जा। उन्होंने मुझे तुरंत एक महीने के बाद तुरंत मुझे भेज दिया मेरी यूनिट में। यूनिट में जाते ही मैंने कभी तो इतना हार्ड वर्क किया नहीं था, बस स्पोर्ट्स कर रहा था। वहाँ जाते ही मैं हमारा एक्सरसाइज होता है या साल में एक बार ना हमारा ये एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज मतलब कि सिर्फ लड़ाई का माहौल, जैसे जैसे हम युद्ध करते हैं ना सेम वही मूवमेंट वही होता है, सेम टू सेम वही फायरिंग वीरिंग टॉप वोप सब सेम टू सेम चलता है। बस ये है कि हम खून खराबा नहीं होता, ब्लडिंग मतलब ये सब देखने को नहीं मिलता है, बाकी सब एक्शन वही सेम टू सेम वही एक्शन। अब मैं जाते मैं उसी में फंस गया, उस बटालियन के अंदर जाते, राजस्थान में हमारा एक्सरसाइज होता है, वहाँ जाते उसी में फंस गया मैं। अब जाते बाप रे मेरा तो नॉर्थ गुम हो गया, उधर कभी इतना हार्ड वर्क किया नहीं, पूरा 24 आवर्स उधर बिजी, ये मोमेंट वो मोमेंट। मैं जाते जब वहाँ पहुँचा फर्स्ट दिन, तो सुबह पहुँचा तो ठीक था, जैसे जैसे शाम होने लगा मुझे तो ऐसे मतलब कि बॉडी मेरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, मुझे ऐसे लगा कि मैं तो बीमार पड़ जाऊँगा। तो किसी तरह मैंने भगवान को बोला हे भगवान ऐसा ना हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ यूनिट के अंदर, अगर बीमार पड़ गया तो बोलेंगे कि अरे राम सिंह मतलब कि मकराम, फौज में काम नहीं करने वाले को जो नहीं करता उसको बोलते मकरा। मैं बोला अरे मेरा नाम तो स्टार्टिंग में ही ख़राब हो जाएगा, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं बोला कि हे भगवान क्या होगा। लेकिन शाम होते होते तब तक फिर पता नहीं कैसे मतलब कि कुछ ऐसे समझो गॉड गिफ्ट रहता है उस टाइम, तो फिर किसी तरह फिर मैं शाम होते होते ना तब मुझे थोड़ा एनर्जी महसूस होने लगा कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं फिर मैं वो हो गया मतलब कि उसमें ढलने लगा। वैसे कहते कि 4-5 दिन 6 दिन वो एकदम परेशान हो गया उसमें, तो तब तक दिल में तब मुझे ना तब कोच साहब की बात याद आई। मैं बोला हे भगवान मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, यहाँ आया हूँ 24 घंटा में बिजी हूँ, कोई मतलब कि रेस्ट नहीं, और कोई प्रमोशन भी है तो प्रमोशन भी आएगा 4-5 साल लग जाएगा, मैं भी ऐसे
सीनियर लोग से पूछता था कि कैसे सी प्रमोशन आता है, क्या आता है, तो उन्होंने बोला अभी ये प्रमोशन के लिए हमको करीब करीब 6-7 साल 8 साल लगता है। मैं बोला हे भगवान, इससे अच्छा तो मेरा स्पोर्ट्स ही था। उधर 2 घंटे की जगह 3 घंटा ट्रेनिंग करता तो मैं शायद अच्छा भी करता, और यहाँ 24 घंटा करो, कुछ भविष्य दिख भी नहीं रहा है, लाइफ दिख नहीं रहा है। मैं बोला हे भगवान, मुझे एक बार और मौका मिल जाए ना तो मैं फिर से गेम करूँगा, मैं कभी किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो उसके बाद फिर 8-10 दिन हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग करता रहा। उसमें सब एक्सरसाइज जो भी हमारा एक ट्रेड होता है, मतलब एक पर्सनल जो भी हमारे अंदर रहता है तो ट्रेड होता है। मैं तो गनर था, गनर सबसे हार्ड हार्ड ट्रेड माना गया जाता है। एक गन पे हम लोग 5-6 लोग, सब एक गोले का वजन करीब 25 किलो के करीब ऐसे कुछ रहता है, उसको अकेले लेके जाना और रेत के अंदर लेके जाना, इतना बुरा हाल होता था। मैं बोला भगवान फिर एक मौका दे दो गेम करने का, मैं अब गेम करूँगा, मैं ये ड्यूटी मेरे से नहीं हो पाएगा। तब तक 5-6 दिन के बाद फिर मैसेज आता है कि क्रॉस कंट्री है, कौन कौन जाएगा। तो मैं उस टाइम स्पोर्ट्समैन था ही, सबको पता था कि राम सिंह स्पोर्ट्समैन है। तो मेरा सीओ साहब बुलाए, बोले कि अच्छा ठीक है राम सिंह को बुलाओ। तो मैं गया साहब के पास, तो बोले कि हाँ राम सिंह क्रॉस कंट्री है जाएगा। मैं बोला हाँ हाँ साहब मैं जाऊँगा क्रॉस कंट्री खेलने। तो मैं तो मौका ढूंढ ही रहा था, तो बोले ठीक है इधर का काम सीख ले 2-4 दिन और तेरे को काम आएगा। मैंने मन मन में बोला मैं साहब यहाँ का काम सीख लिया, अब बस मुझे मौका मिल जाना चाहिए। और मैं तो फिर ना 2-4 दिन और हुआ वहाँ पे। ज़्यादा बोर तो नहीं हो रहे आप लोग कहीं? हाँ सर, कहीं टाइम तो ज़्यादा नहीं है, टाइम है कि नहीं कहीं? हाँ तो बोले फिर हमारा लास्ट दिन था, लास्ट दिन हमारा डिगिंग होता है, मतलब कि लास्ट दिन था। हमको मैसेज मिल गया कि सुबह होते होते सब कोई अपनी अपनी गन गन होती है करीब वो मतलब कि 10-12-13 फुट ऊंचाई होता है उसका, चौड़ाई करीब 10-15 फुट। बोले सुबह होते होते गन सबकी छिप जानी चाहिए। अब भाई हमने शाम को मैसेज मिलते, हमने 5 बजे से हम लोग 10-15 लोग ना एक डिगिंग करना शुरू कर दिए। कम से कम 10-15 फुट लंबा चौड़ा कितना बड़ा, सुबह होते होते ना गड्ढा खोद के हाथों से उसको गन को सुबह होते होते छिपा दिए, पूरा जाला वाला पूरा ऊपर से लगाए कि गन दिखनी नहीं चाहिए, लगाए। और मैं भी उसी में था, मतलब कि सभी बिजी रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि अकेला ही, अफसर भी, सभी लोग, जवान, सब लोग बिजी रहते हैं, लेकिन इतना फीलिंग नहीं होता है, मतलब कि सभी बिजी रहते हैं तो नहीं, कष्ट नहीं होता, लेकिन एक अलग सा ना एनर्जी भी मिलता रहता है, तो कुछ भगवान का गॉड गिफ्ट रहता है उस टाइम। तो सुबह जब हुआ तो गन छिपा के ना, जब सूरज निकला ना, मैंने सूरज का प्रणाम किया, बोला हे भगवान अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा यूनिट में। अब मैं उधर से फिर निकला, लास्ट दिन था, निकला मैं आया अपना, हमारी गाड़ी रही 2.5 टन, ऐसे मैं उसमें पड़ा, सब देख के हंस रहे थे, अरे यार देखो राम सिंह स्पोर्ट्समैन है, देखो कैसे पड़ गया, मतलब कि ऐसा पड़ा कि मेरे को नींद आ गया, इतना मैंने कभी हार्डवर्क किया नहीं था। किया तो था स्पोर्ट्स में, लेकिन क्या है कि एकदम कांटे उस माहौल में ढला नहीं था, कभी ऐसा किया नहीं। मैं वहाँ गया, फिर जाते हमारे बटालियन जो रहने का था वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर वहाँ गया, वहाँ फिर वहाँ से भाई गेम वही शुरू किया। मैं बोला भाई अब इधर आना नहीं कभी, मुझे तो पता था कि मुझे कहाँ फाइट मिलेगा। तो कभी भी आप लोग भी गेम करो, हाई लेवल का दिमाग में रख के करो, हाई लेवल का करोगे तब जाके आपको जो भी चीज़ें अचीवमेंट मिलेगा। तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ फाइट होगा, तो मैं खेलते 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 फिर तीन चार मेरा वो कंपटीशन हुआ, फिर चौथा कंपटीशन जब मेरा था उसी सेंटर में हुआ था जहाँ से मैं आया था। तो मैं फिर उस कोच साहब के पास गया, तो कोच साहब ने देखा, बोला हाँ आ गया तू फिर? बोला हाँ साहब। बोला तेरा दिमाग खुल गया? मैं बोला हाँ साहब मेरा दिमाग खुल गया। बोला गेम करेगा? हाँ साहब अब गेम करूँगा। भाई मैं फिर ना 2004 में फिर गया था, 2005 में आया, इतना मेहनत किया। 2005 में फिर कोच साहब के सामने मैंने 2005 में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, मैंने अनलिमिटेड ट्रेनिंग शुरू कर दिया, कभी राम सिंह रुकता नहीं था। जिनसन जॉनसन भी है, इनको भी थोड़ा बहुत मेरे हिस्ट्री के बारे में पता होगा, मैं कभी नहीं रुकता, एकदम सिर्फ मेरे को तगड़ा बनना है, इंडिया के तगड़ा बनना है, तगड़ा बनना बस। उस टाइम ये नहीं पता था कि ओलंपिक भी कितना, नाम बहुत कम लोग लेते थे, लेकिन ओलंपिक का नाम भी उस टाइम लोग लेने से ना ऐसे लगता था डरते थे।
मैं इतना हार्ड वर्क किया। मैं 2005 में नेशनल खेला 10,000 मीटर से, 2006 में 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन इंडिया का टॉप हुआ। वहाँ से फिर मुझे अंदर से मोटिवेट हुआ, फिर मैं इतनी ट्रेनिंग कर रखा था कि 42 किलोमीटर, फिर मैं 7 महीने में 42 किलोमीटर भागता हूँ, 42 किलोमीटर भागता हूँ। फर्स्ट मैराथन 2 घंटा 23 मिनट की। हाँ, तो फिर 2007 में, तो शायद अक्टूबर अक्टूबर का महीना, सॉरी 6 में भागता हूँ। 2007 में मैं फिर मुंबई मैराथन भागता हूँ 2 घंटा 20 मिनट का। यानी कि इतना हार्ड वर्क कर दिया था कि फिर मतलब कि पता नहीं, वो भगवान मेरे को कुछ गॉड गिफ्ट मिल गया था क्या बोलूँ। फिर 2 घंटा 20 मिनट 2007 में भागता हूँ। फिर उसके बाद जनवरी में होता है मुंबई मैराथन, 2007 में किया। फिर 19 नवंबर को मैं इलाहाबाद मैराथन भागता हूँ 2 घंटा 18 मिनट 20 सेकेंड। वो अपना ओलंपिक क्वालिफाई टाइम था, वो मैंने वहाँ क्वालिफाई कर देता हूँ। तो क्या है, वहाँ बोलते हैं कि नहीं, ये नेशनल रूट है, इस पे आपका माना नहीं जाएगा। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर 2008 में बीजिंग ओलंपिक था, मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे को 1.5-2 महीने का टाइम मिला। फिर मैंने नेक्स्ट जनवरी जनवरी के लिए मैं मुंबई क्वालिफाई के लिए मैं ट्रेनिंग किया। तो हमारे कोच साहब थे, मैं उनको भी बताया, साहब ऐसी सी बात है, मेरे को टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से कहीं मूवमेंट नहीं करने देना। वो जो पहले के कोच साहब थे वो चले गए थे, पेंशन चले गए, पेंशन चले गए, दूसरा कोच आया। लेकिन कोच दूसरा कोच मुझे समझ नहीं पाया कि मैं मेरे अंदर क्या चीज़ है, और मेरी भावनाओं को भी नहीं समझ पाया। 2 वीक रह गया मेरे को, हमारा अपना आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जो भी टॉप लेवल के खिलाड़ी यहाँ पे रहते हैं। तो उस टाइम मैं क्या सेंटर में ही रहता था हैदराबाद, तो मेरे को यहाँ ना उतना कंफर्टेबल नहीं लगता था। तो इसलिए मुझे, मैं बोला अभी टाइम भी नहीं है कहीं मूवमेंट करने का। मैं अपने कोच को बोला मुझे सर जाने नहीं देना, मैं डायरेक्ट यहाँ से मुंबई खेलने जाऊँगा। लेकिन तब तक बीच में लेटर आ जाता है, ग्राम सिंह आपको रिपोर्ट करना है पूना SI में। मैं बोला अरे यार, ये तो बहुत हो गया, इतने साल से मैं मेहनत कर रहा था, कोच को बताया था कि साहब मुझे कहीं जाने नहीं देना, मेरा तो ओलंपिक को ख़राब हो जाएगा। तो मैं फिर कोच साहब को बोला जाके, शाम को गया मूवमेंट आर्डर लेके, मैं बोला साहब मेरे को ना ओलंपिक क्वालिफाई करना है, इंडिया का फर्स्ट नहीं होना है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कहीं जाने नहीं देना, आपने मूवमेंट आर्डर दे दिया। एकदम ऐसे लगा कि मेरा तो मतलब कि एकदम चेहरा काला पड़ गया। मैं बोला कोई बात नहीं साहब, मैं जाने तो चले जाता हूँ, लेकिन जाके ना मैं वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। मैं फिर गया पूना, आया पूना, मेरा 10 दिन पहले आया। तो क्या कि 10 दिन पहले क्या, बहुत क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, डाइट वेट मेंटेन होना चाहिए, प्रैक्टिस तो उतना वो हार्ड होता नहीं है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। मैं यहाँ आया ओलंपिक के, फिर यहाँ से SI से पूना गया। जब मैं वहाँ भागने ना, जब वहाँ रेस लगाया ना, 2 घंटा 18 मिनट 22 सेकेंड आ गया। ऐसे देख फिनिशिंग पॉइंट देखा, 2 घंटा 18 मिनट 22 सेकेंड, इतना दुख हुआ ना क्या बताऊँ कि बाप रे बाप, मेरा सब मेहनत। तो कोच को बताऊँ कि मैं किसको बताऊँ, मेरे को ना बहुत दुख हुआ उस दिन से ना। फिर मैं अंदर से मेरे कड़प मतलब घबराता रहा कि कोई मुझे कोई सपोर्ट करे या कोई मुझे बताए कि राम सिंह तेरे को क्वालिफाई करना है। तो लेकिन उस टाइम हमारे, उस टाइम ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे सुरेश कलवाड़ी, उन्होंने तो घोषणा कर दिया था, लेकिन फिर भी फेडरेशन ने मुझे जाने का वो मतलब कि वो एग्री नहीं हुए। बीच में ट्रायल भी करने का मौका था, लेकिन क्या बताए, ये इंडिया का, फिर भी ट्रायल के नाम पे लोग मेरे नाम से परमिशन हो जाता है, परमिशन के बाद मेरे को मैसेज नहीं मिल पाता है। तो दूसरे लड़कों को मेरे नाम से फेडरेशन से लोग मैसेज ले लेते हैं कि हमको क्वालिफाई करने जाना है बीजिंग के लिए, हमारे 3 बंदे जाएंगे, 3 बंदों में मेरा भी नाम रहता है। लेकिन जब कंपटीशन होता है, लड़के प्रैक्टिस करते हैं, मेरे ऊटी में मैं गया तो उस टाइम कंपटीशन, वहाँ देखा तो लड़के बहुत थे मैराथन वाले। मैंने बोला यार यहाँ किस लिए आए हुए, तो उन्होंने कोई लड़के भी नहीं, उन लड़के सोचे राम सिंह को पता होगा। तो मैं वहाँ कंपटीशन था, मैंने कमीशन किया, वहाँ फर्स्ट हुआ। उसके बाद फिर मुझे मैसेज नहीं मिला, बाद में पता चलता है जब वो लड़के जाते हैं ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई के लिए, वो क्वालिफाई नहीं करते, क्वालिफाई नहीं करने के बाद फिर वो जब आते हैं इंडिया में, तब तो मुझे पता चलता है राम सिंह ऑस्ट्रेलिया के लिए तेरा भी नाम था। लेकिन मेरे को अंदर से बहुत फीलिंग हो रहा था कि भगवान मुझे कहीं ना कहीं मौका मिलेगा क्वालिफाई के लिए। लेकिन अब वो क्या, किसकी गलती क्या था, फिर
मेरे को क्वालिफाई के लिए फिर अगर ऑस्ट्रेलिया में भेजते उस टाइम ना, तभी मैं क्वालिफाई कर देता। मैं 2 सेकंड नहीं, मैं 2 मिनट तोड़ देता, इतना मेरे अंदर ना वो जुनून था करने का। तो यही एक गेम करना है दोस्त ना, तो हाई लेवल का करना, हाई लेवल का करो, कोई हार्ड चीज़ नहीं है आप लोग कुछ नहीं, पर प्रॉपर डाइट, प्रैक्टिस, रेस्ट, ये सब मेंटेन करोगे सब चीज़ हाथ में आ जाएगा। एक बार इंडिया में टॉप हो गए अपना तो आपको हर गेम मिल जाएगा। बस इसी के साथ मैं अपने सब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गुड इवनिंग। और मेरा भी मैं जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, पहले कॉम्पिटिशन मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद मैं, मेरा जो घर का पास नेबर है उनके साथ भागने के लिए जाता था सुबह सुबह। मतलब मेरा मम्मी पापा बुलाता नहीं था, मैं खुद उठ के चलता था। फिर मुझे पता चल गया मुझे रनिंग में मुझे पैशन है, लेकिन मुझे इतना टैलेंट टैलेंट नहीं था। मैं 4th स्टैंडर्ड से फिर 5th में, 6th में, 7th में सब जगह पे कॉम्पिटिशन किया था, लेकिन मैं मेडल नहीं जीत पाता था। इवन मेरा स्कूल को भी मैं रिप्रेजेंट नहीं किया था उस टाइम में। और 9th क्लास में मैं जब पढ़ रहा था, मैं फर्स्ट टाइम स्कूल को रिप्रेजेंट किया और डिस्ट्रिक्ट में 3rd आया था सब डिस्ट्रिक्ट में। और 10th क्लास में पार्टिसिपेट किया स्कूल लेवल का कॉम्पिटिशन, स्कूल में जीता लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट में मेडल नहीं आया था। और 11th में मैंने स्कूल में जीता लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट में मेडल नहीं आया था। और जब जब मैं 11th में पढ़ रहा था, उसी टाइम में मेरा एक कोच को मिला था। वो कोच नहीं था, वो बैंक का एक एम्प्लॉय था, KM पीटर सर था उसका नाम। सर यूनिवर्सिटी लेवल का एक एथलीट था। सर मुझे 6 महीना ट्रेनिंग दिया और 6 महीना के अंदर मैंने स्टेट में भी गोल्ड मेडल जीता और नेशनल में भी गोल्ड मेडल जीता। वो मेरा करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ हुआ था। और इसका मतलब क्या है, हमारा उससे पहले मैं जब कर रहा था और मुझे राइट डायरेक्शन का ट्रेनिंग नहीं मिल रहा था। मैं मेरा खुद का, मैं पैशनेट है लेकिन इतना फैसिलिटी मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन पीटर सर भी क्वालिफाइड कोच नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेवल का एथलीट था, इसलिए उसको एक्सपीरियंस था। और इसलिए मैं मुझे वो मुझे एक एक टर्निंग पॉइंट मिला वहाँ से। वहाँ से मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में मैं डिग्री सेकेंड ईयर हुआ था, उसी टाइम में मैं आर्मी में ज्वाइन किया। तब मैं राम सिंह सर को मिला था। मैं 2009 में आर्मी में ज्वाइन किया था और राम सिंह सर 2012 में ओलंपिक पार्टिसिपेट किया किया था। उसी टाइम में मैं कोई इंटरनेशनल मीट भी नहीं किया था। और 2012 में मैं फर्स्ट सीनियर नेशनल मेडल जीता, उससे पहले जूनियर नेशनल मेडल जीता था। सीनियर नेशनल मैं 2012 में फर्स्ट टाइम जीता था। और 2012 से एक बार सीनियर नेशनल जीतने के बाद एक एथलीट का टारगेट होगा इंडिया का जर्सी पहनना है। पहले मेरा ये एम था, मैंने डिस्ट्रिक्ट का पहना है, फिर स्टेट का पहना है, फिर ये सब 2008 में मैंने 7 में मैंने नेशनल मेडल जीता था। उसी टाइम में मैंने, मेरा टारगेट था एक बार नेशनल मीट जीतने के बाद सबका अंदर ये था इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन 2009 में, 2008 में नेशनल मेडल जीता। मैं 2015 में फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एक एशियन चैम्पियनशिप में, सीनियर एशियन चैम्पियनशिप में INM हुआ था, उसी में मैं सिल्वर मेडल जीता था। और 2016 में ओलंपिक्स जीता, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था 800 मीटर में। और 17 में एशियन चैम्पियनशिप किया था, 18 में एशियन गेम्स। और नेशनल रिकॉर्ड एक 42 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड था श्रीराम सिंह सर का, 800 मीटर का वो ब्रेक किया। और 1500 मीटर में 23 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। इसका मतलब मैं, मुझे इस रनिंग में पैशन था, इसके वजह से मैं ये सब कर पाया। और अभी मैं 33 ईयर्स ओल्ड है। मैं लास्ट ईयर जो रिसेंटली जो हांगजू में एशियन गेम्स हुआ था लास्ट ईयर चाइना में, उसी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मतलब मैं, इसका मतलब है क्या, मैं मुझे रनिंग में पैशन था, इसलिए मैं थका नहीं अभी तक, अभी भी मेरा प्रिपरेशन चल रहा है। और आप लोग एक ये सुना होगा उसेन बोल्ट का स्टोरी। उसेन बोल्ट का 100 मीटर का टाइमिंग 10 10 10 से बिलो है, लेकिन और 10 से बिलो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वो 15 ईयर्स का ऊपर और वर्क किया है। मतलब सेकेंड्स और टाइमिंग बहुत कम है, लेकिन उसका वर्क करने का साल बहुत, कोई कोई भी आदमी इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 साल से 2 साल से नहीं होगा, वो बहुत साल मेहनत करने का बाद ही वो वहाँ तक पहुँचेगा। मतलब
हम स्टेप बाय स्टेप मेरा मैं ऐसे टारगेट मेरा गोल सेट किया था मेरा करियर में टाइमिंग बेस होने से। अब मैं आपको पहले बताया था डिस्ट्रिक्ट मेडल जीता तो स्टेट में मेडल जीतने, स्टेट में मेडल जीता तो नेशनल में मेडल जीतने, नेशनल में अगर सिल्वर एक बार जीता तो नेक्स्ट टाइम गोल्ड के लिए ट्राई करना है। ऐसे सेम टाइमिंग भी, फॉर एग्जाम्पल 400 मीटर एक एथलीट एक मिनट में भागा तो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन 59 में भागने के लिए टारगेट रख रहे हैं, अगले कॉम्पिटिशन 58 में। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही इम्प्रूवमेंट होगा, एकदम कोई भी एथलीट एकदम टाइमिंग नहीं कर पाएगा। राम सिंह सर भी बोला 2023 में फर्स्ट मैराथन भागा था, फिर ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए उसके नीचे स्टेप बाई स्टेप ही वो होता है, एकदम डायरेक्ट स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस एथलेटिक्स का परफॉर्मेंस कभी नहीं होगा। थैंक यू। आपने अपने लाइफ में चीज़ों के बारे में बहुत बताया कि क्या कठिनाइयाँ आई, बट बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे तब उसमें आपके सामने कैसी कठिनाइयाँ आई आपकी ट्रेनिंग में और आपको जब एथलेटिक्स ज्वाइन कर रहे थे तब के लिए? मैं तो अपना पूरी बता दिया बचपन से लेके स्टार्ट तक, शायद सबको पता हो गया होगा। यार बोलिए तो फिर से रिपीट करता हूँ। कोई नहीं, आप लोग भी करो, बस हम यही कहेंगे कुछ नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो, आपके सामने हम लोग बैठे हुए हैं, आज ये जगह आप लोग का होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक हो। आपका ट्रेनिंग रूटीन कैसा होता है होता था और जब आप वो रनर थे, लाइक एक दिन का या एक हफ्ते का स्केड्यूल कैसा होता था आपका ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग का भी तो बता ही दिया हूँ, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जिनसन साहब भी बताए कि हर एक कंपटीशन के बाद अपना टाइम, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है टाइम, हर कंपटीशन करते उससे अच्छा बेटर माइक्रो सेकेंड ही टाइम ब्रेक करो, लिंक पक्का करो, नहीं वो भी होता है कोई बात नहीं, अंदर से 100% सोचो, चलो एक मिनट हुआ फिर नेक्स्ट उसके लिए ट्राई करते हैं, लेकिन 100% एक भी परसेंट लूज नहीं छोड़ना अपने आप से, ठीक है ना? जब तक ये अंदर से अपने आप 100% थोड़ा भी आपने जहाँ अंदर से सोचा नहीं, माइक्रो सेकेंड भी सोचा कि नहीं यार नहीं जाने तो नहीं ना, 101% जब आपके अंदर हर चीज़ लाइफ को सेट करना है कुछ भी इसके लिए अंदर आ गया, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना आप लोग को, सिर्फ 101% माइक्रो 1% भी अगर आप सोच लोगे ना तो आप इम्प्रूवमेंट कर जाओगे। यही ट्रेनिंग का यही भी है, ऐसे ही हम भी ट्रेनिंग भी यही करते थे। कोच बोलता था एक हम अंदर से सोचते नहीं, एक नहीं हम दो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? टेंशन सर आपको ट्रेनिंग हमारा टू टाइम्स होता है, मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम, ऐसे दो टाइम ट्रेनिंग होता है। एक सेक्शन बहुत हार्ड होगा, दूसरा सेक्शन थोड़ा सा रिलैक्स होगा। वीकली 3 डेज ट्रैक वर्कआउट होता है, एक दिन लॉन्ग रन होता है हमारा मिडिल डिस्टेंस के लिए। ये यूजली मंडे वेनसडे फ्राइडे ट्रैक वर्कआउट होते हैं, सैटरडे लॉन्ग रन होते हैं और संडे मॉर्निंग फुल रेस्ट होते हैं, संडे इवनिंग ईजी रन रहता है। लेकिन ये हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होगा जो 3 डेज ट्रैक वर्कआउट और लॉन्ग रन, टोटल 4 सेक्शन बहुत हार्ड होगा। आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई इधर, हार्ड वर्क करना है, फोकस करना है, टाइम मैनेज भी करना है अपना, एंड काफ़ी सालों तक एफर्ट लगाना होता है तब जाके रिजल्ट दिखते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ इतने सारे एथलीट्स बैठे हैं, इन सब चीज़ों के अलावा आपके पास इनके लिए पूरा हमारे न्यू जनरेशन के लिए ही कोई और कोई सलाह है क्या? न्यू जनरेशन के लिए मैं तो मुझे जहाँ तक दिखा है ना, तो पहले तो क्या है हमारे पास ना मोबाइल नहीं रहता था, जब हमारा टाइम था ना मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल ना आप लोग का ना सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, मतलब कि इससे अगर आपने थोड़ा सा ना वो कर लिया ना, मतलब इसको दूर रखा ना, तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोग के लिए। इसके और सब तो ठीक है, इस ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे बड़ा और कुछ तो मुझे एक एथलीट के लिए तो मुझे लगता नहीं। एथलीट या कोई भी हो, या पढ़ने वढ़ने लड़के हो, या स्पोर्ट्स मैन हो, या कोई भी हो,
आप लोग अगर इस मोबाइल से अगर इसमें दिल लगा लिए ना तो फिर बेकार हो गया। दिल लगाना है तो अपने ग्राउंड से लगाओ, उसके लिए पागल बनो। अगर उसके लिए पागल बन गए ना फिर आप लोग मतलब कि पूरी ज़िंदगी मतलब कि एक जो माँ बाप का सपना है हर चीज़ ना। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, बैठे हैं ना, आप लोग के माँ बाप ने कितना सपना सजा रखा होगा, शायद वो चीज़ आप लोग को फील नहीं होगा। हम भी ऐसे ही थे, आज मैं भी ना, मेरे ही पास बच्चा है, अब मुझे फील होता है कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितना अंदर से सोचते थे कि मेरा बेटा इस जगह गया हुआ है, वहाँ अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। वहाँ आप लोग के लिए लोग दुआ कर रहे हैं, आपके भविष्य के लिए, लेकिन आप इधर मोबाइल में पड़े हुए हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से कि इससे जितने दूर रहेंगे है ना, लाइफ सेट हो जाता है, फिर आप उस चीज़ को मोबाइल तो यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो खुद जब एक बार आप एक तब आपको सही गलत का अंदाज़ा भी मालूम हो जाएगा, फिर अपने आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे तो अपने आप ये सब हर चीज़ को फिर मेंटेन करना सीख जाओगे। लेकिन अभी ये जो है ना आप लोग करना, एक ही बोलूँगा बात कि मोबाइल से दूर रहना, बस जितना है उतना ही यूज करना। इसको अगर त्याग दोगे लाइफ सेट हो जाएगा, इसको नहीं त्यागोगे लाइफ खराब हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा भी सेम ओपिनियन है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक कोच का पास आप लोग सुबह थोड़ा सा गंदा रहेगा, हवा से रहेगा, इवनिंग थोड़ा सा हवा से रहेगा, बाकी टाइम में आप लोग रूम में रह के कैसे रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं और कैसे रेस्ट करते हैं। रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बताया मंडे एक ट्रेनिंग है, मंडे का हार्ट सेक्शन है, वो हार्ट सेक्शन से आप लोगों का बॉडी वेनसडे का वर्कआउट के लिए कैसे रिकवरी होगा वो बहुत मैटर करता है। और आप राइट फूड खाने, न्यूट्रिशन करेक्ट लेने और स्लीप, सबसे बड़ा रिकवरी है नींद। और ये सबके लिए हर एक प्रोफेशन का लोग को लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिकवरी स्लीप ही है, उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं, कोई भी एथलीट है हर एक सिचुएशन में चला जाएगा, उसका हैप्पीनेस होगा, सैडनेस होगा, डिप्रेशन होगा। क्योंकि एक सीजन का हम अभी फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स सितंबर में होगा, हमारा नेशनल कैंप एक साल पहले सितंबर में स्टार्ट होता है और अगस्त में ओलंपिक्स का क्वालिफिकेशन का कॉम्पिटिशन करते हैं। क्योंकि इतना महीना हम ट्रेनिंग कर रहे हैं एक गोल रख के, वो हम हो नहीं पा रहे उसमें। ओलंपिक्स नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट होने से भी, स्टेट होने से भी, उसमें हम हारते हैं। हारने के बाद क्या हमको दुखी लगेगा, वहाँ पर डिप्रेशन होगा, वो सब मेरे करियर में भी हुआ था। क्योंकि ये पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स है, मैं ये हर एक आदमी के लिए हेल्दी भी है। क्योंकि स्पोर्ट्समैन मैं मेरा करियर में शायद जीतने से ज़्यादा हारा होगा। एक बार हारने के बाद कैसे वापस जीतते ये स्पोर्ट्स सिखाते हैं, ये स्पोर्ट्स का ब्यूटी यही है। और पैशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैशन रहने से हम इतना आते मिडिल डिस्टेंस रनर, मैंने 90 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर माइलेज वीकली करना पड़ता है, मेरे अंदर पैशन है इसलिए कर रहे हैं। एक मैराथन रनर 200 किलोमीटर का आसपास करना पड़ता है, मतलब इतना वीकली करना पड़ता है, मतलब उसका पैशन होने से ही कर सकते हैं। ऐसे कोई भी प्रोफेशन हो और पैशनेट होना चाहिए, मैं 100% एफर्ट लगाना चाहिए। ऐसे राम सिंह सर बताया था भाई, ज़बरदस्ती नहीं होगा, क्योंकि पैशन रहने से ऑटोमेटिकली भागने के लिए रेडी होते हैं। अगर म्यूजिक डांसर हो, कोई भी आईटी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन, उसमें अंदर पैशन होने से ऑटोमेटिकली काम करते हैं। और पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब रहने से पक्का रिजल्ट मिलेगा। डिसिप्लिन, नींद पूरी करना, एक पैशन रखना और अपना फोन से स्क्रीन टाइम कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन प्लीज गिव इट अप फॉर मिस्टर राम सिंह यादव एंड जेनसन जॉनसन सर। थैंक यू सो मच। किसी और के पास कुछ क्वेश्चंस हैं? हेलो सर, सो सर आपका
के पहले या आपकी कंपटीशन के पहले मेंटल सेटअप कैसा होता है, मतलब मेंटली प्रिपेयर कैसे होते हो आप? हेलो, एक्चुअली हमारा क्वेश्चन का एक दिन पहले का डे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमारा नींद का खाने का सब डिफरेंट रहता है उसी टाइम में, क्योंकि मेन मेन चीज़ मेंटली हम हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, कल कॉम्पिटिशन है, ये जितना भी बड़ा एथलीट हो उन सब में रहते हो, इवन सारे में वो रहते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं है। ये क्वेश्चन हमें निकालने के लिए सबसे बेस्ट वे है मेरे हिसाब से ट्रेनिंग हार्ड करने हैं, ट्रेनिंग का अंदर अच्छा रिस्क लगाने हैं। मैं 800 मीटर रनर होने से मैं कॉम्पिटिशन से पहले 600 मीटर एक अच्छा टाइमिंग किया तो मुझे मालूम है मेरा 800 मीटर इतने का होने वाला है, मैं मेडल जीत पाएगा, एक कैलकुलेशन मुझे वहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस अपना ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का हमारा रिजल्ट, और ये ऑब्वियसली ये रहेगा, आप लोग आज रात को सोते हैं कल का सोते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन का एक दिन वो सब डिफरेंस रहते हैं, वो तो रहते हैं सबको रहते हो, लेकिन ट्रेनिंग हार्ड करना है, ट्रेनिंग का अंदर अच्छा टाइमिंग करना है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा पक्का। हेलो, आवाज़ आपकी बातों से हमें पता चला कि आपकी दिल्ली की कुछ मोहब्बत आपके खेल के प्रति थी, जैसे आपने भी बोला आपका पैशन था इसलिए आप इतना एक्सेल कर पाए और कंटिन्यूटी रख पाए। तो मैं जब यहाँ पे देखता हूँ आजू बाजू तो कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली की कहीं और भी लगती है, तो मेरे कई दोस्तों की लगती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड से हो या फिर हमारे कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हो। तो उस फेज में, इस फेज में तो हर कोई फेस कर ही रहा है, सो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, यहाँ पे आप कंपटीशन इतना हाई लेवल का बढ़ गया है कि इवन हमारे टॉप एथलीट्स भी ये टेम्पटेशन रोक नहीं पा रहे कि डोपिंग से कैसे ना बच पाए, क्योंकि इतना सारा मतलब कंपटीशन हाई हो गया है कि अगर लग रहा है, लगता है कि जैसे कि अगर नहीं हो पाया मेरा इस बार, अगर उस वो बेंचमार्क में हिट नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो इसके लिए कई लोग जैसे कि डोपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने आजू बाजू बहुत देख रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारा जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, एग्ज़ाम में क्या है हमें पास मार्क चाहिए और एक एक ग्रेड रहता है, इतना परसेंटेज, लेकिन एथलेटिक्स में क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोडियम में आते हैं, जो फोर्थ आया है मैं अभी भी मेरा मैं 2018 एशियन गेम्स में एक गोल्ड और सिल्वर जीता था, इस बार ब्रॉन्ज जीता था, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इस बार हुआ क्योंकि मैं यही सोचता रहता था अगर मैं फोर्थ हो गया तो क्या होगा, मैं हमेशा यही सोचा अगर एथलेटिक्स में फोर्थ हो गया तो वो पोडियम में नहीं आता, उसको सर्टिफिकेट नहीं है, उसको मेडल नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस माइक्रो सेकेंड होगा, इतना ऐसा होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा हमारा जो अगर एथलेटिक्स कर रहा तो इसके इसी को ऊपर मैक्सिमम फोकस रखने के लिए कोशिश करना। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे किया था, मैंने मेरा पूरा फोकस एथलेटिक्स के ऊपर मेरा इवेंट के ऊपर रहता है किया था। हम अदरवाइज आपको मालूम है एक पानी हम एक नदी जा रहे हैं, नदी को हर एक जगह पे पानी का डायरेक्शन जा रहा, तो पानी का स्पीड तो कम होता है ना, ऐसे सेम है अपना माइंड भी, अपन एक डायरेक्शन में गया तो उसमें ज़्यादा फोकस रहेगा, और आप इसमें फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड का कोई प्रॉब्लम है, साथ में स्पोर्ट्स है, घर में फैमिली प्रॉब्लम है, और ऐसे प्रॉब्लम रहने से ऑब्वियसली हमारा जो मेन प्रोफेशन में फोकस कम होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने से आपको इसमें भी जीत पाएगा, लेकिन ऑब्वियसली आप इसमें पूरा फोकस रहे तो आप तो ओलंपिक्स में मेडल जीतेगा। ऐसे कुछ एथलीट्स है हर एक प्रॉब्लम का ऊपर में भी मेडल जीतते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा शायद, क्योंकि आपको मालूम है उसेन बोल्ट भी हिच्चा मलगुरी आप सुना होगा 1500 मीटर का, वो ओलंपिक में मेडल जीत के स्टॉप किया था, क्योंकि दिस इज़ नॉट क्रिकेट, दिस इज़ नॉट फुटबॉल, एथलेटिक्स में क्या है हाई फिटनेस
कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा है। ये सब हुसैन बोल्ट वगैरह 30 का पहले रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि 40 तक 35 तक वो मेंटेन करना बहुत टफ रहता है। और डोपिंग का मेरे हिसाब से जो एलिट एथलीट, आपको मालूम है, इतना ज़्यादा इसका ऊपर ये नहीं कर रहे, क्योंकि जो रिजल्ट का वजह से लोग इसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है 1 2 3 1 2 3 में नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, बाद में वो क्या है, कुछ शॉर्टकट में जाते हैं। यही है मेरे हिसाब से। हम लोग स्पोर्ट्स में अगर हारा तो भी आपको बहुत कुछ स्पोर्ट्स सिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आपको और भी प्रोवेशन है, क्योंकि ये सब यूज़ करके अपने बॉडी को ख़राब कभी नहीं करना, क्योंकि वो आपका फ्यूचर का लाइफ को ख़राब करते हैं। उससे अच्छा क्या आप स्पोर्ट्स इतना किया, आपको स्पोर्ट्स में मेडल नहीं आ रहे, आप दूसरा कुछ प्रोफेशन में गया, आप इंजीनियर नहीं तो कोई स्पोर्ट्स कोटा में कोई और प्रोफेशन में गया, आपका एंडियर लाइफ में जो स्पोर्ट्स किया है ना, आपको एंडियर लाइफ में आपको आपको सपोर्ट देगा, आपको मेंटली भी फिजिकली भी। राम सिंह सर भी बताया था, वो आर्मी का ट्रेनिंग में गया था। आर्मी का ट्रेनिंग में क्या है, स्पोर्ट्स का बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, लेकिन इस ट्रेनिंग में एक सिस्टम रहता है। आप इतना घंटा 30 किलोमीटर एक मार्थन रन सुबह भागा तो फिर वो ब्रेकफास्ट करके सोते हैं, फिर शाम को ही रहता है, लेकिन नॉर्मल जो काम है वो लगातार चलते हैं। ये एक इसमें एक डिसिप्लिन रहता है, एक सिस्टम रहता है, वही है डिफरेंट। According to you, what is discipline for means? The आपके perspective से discipline क्या है? मैंने पहले बताया ना, discipline means training, सिर्फ training नहीं है। training बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो नहीं है, एक right time में सोना है, सोना तो हम एक time में एक athlete के लिए 9 hours तक sleep बहुत जरूरी है। रात को minimum 9 hours, 10 होने से भी कितना ज़्यादा सो रहे उतना अच्छा है, क्योंकि दिन में भी रात को एक 9:30-10 o'clock सोया तो सुबह उठ के ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसे मॉर्निंग ट्रेनिंग के बाद आफ्टरनून ब्रेकफास्ट के बाद फिर 1.5 घंटा सोना है, और लंच के बाद वो सोया तो शाम का ट्रेनिंग में इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वो एक टाइम टेबल का वो एक डिसिप्लिन रहता है। और खाने का हमेशा जंक फूड लेने से ओ आप कितना भी ट्रेनिंग करो आपका परफॉर्मेंस में असर पड़ेगा, ये सब मैंने देखा था। और सैक्रिफाई करने हैं आपको, फैमिली सब छोड़ के ट्रेनिंग करना पड़ता है। आप एक मैं बोला ना, एथलेटिक्स का जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। फॉर एग्जांपल मैंने एशियन गेम्स से पहले यहाँ में एक साल पहले ज्वाइन किया था, मैं 3 days ही घर गया था, 3 दिन, वो भी एमरजेंसी केसेस में, कुछ एमरजेंसी कंटिन्यू 3 दिन नहीं है, एक दिन ऐसे बहुत एमरजेंसी केस में। ये सब एक डिसिप्लिन का इसमें रहता है, और ये फिर मेडिटेशन करना है वो सब करना है। ऑफ सीजन में मैक्सिमम माइलेज कवर करने हैं और मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप करने हैं, ये दो चीज़ ऑफ सीजन में करने हैं। माइलेज लॉन्ग रन वगैरह बहुत ज़्यादा करने हैं, वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करने हैं, अगर सैंड अवेलेबल होने पी ट्रेनिंग वो सब, मैक्सिमम अपना एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करने के लिए ऑफ सीजन यूज़ कर सकते हैं मिड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि और जितना माइलेज आप किया उसका नेक्स्ट होगा मिड सीजन में। मिड सीजन में थोड़ा सा फास्ट रहेगा लेकिन माइलेज थोड़ा कम होगा, स्पीड सीजन में और बहुत। हाँ पहले आपका इवेंट कौन सा था? 3000 meter स्टीपल। आप 3000 meter का मेरा एक्जैक्टली मैं कोच नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो कोचिंग किया कोचेस की बात है। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफ सीजन में 18 to 20 kilometer लास्ट सीजन में किया था, और मिड सीजन में वो 12 kilometer to 13 kilometer हो जाते हैं, स्पीड सीजन में 8 kilometer हो जाते हैं।
लेकिन फास्ट हो जाता है, जो 21 किलोमीटर की या 20 किलोमीटर की वो स्पीड नहीं होगा, स्पीड इम्प्रूव होगा। लेकिन एक फाउंडेशन बोलते हैं ऑफ सीजन का ट्रेनिंग, तो ऊपर ही बिल्ड कर सकते हैं हमें। बाकी अगर ऑफ सीजन अच्छा नहीं हुआ तो स्पीड सीजन डायरेक्ट करने से क्या है, इंजरी होने का चांसेस है। इसलिए मैक्सिमम एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ सब ऑफ सीजन में डेवलप कर रहे हैं। स्टीपल चेस रनर होने से आपको मुझे लग रहा है 120-130, एक एक कोच का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिफरेंट है। एक यूएस, यहाँ लास्ट सीजन मैंने एक स्कॉट सिमंस करके एक यूएस कोच का ट्रेनिंग किया था, का हमारा इंडियन कोचेस का संडे मॉर्निंग रेस्ट रहते, संडे इवनिंग ईजी रन है। लेकिन ये यूएस कोच का क्या है, सैटरडे 15 किलोमीटर ईजी रन एंड संडे 20 किलोमीटर लॉन्ग रन और संडे इवनिंग रेस्ट, मतलब एक एक कोच का ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड है। कौन सा सीजन, मिड सीजन में, ऑफ सीजन में, स्पीड सीजन में? 3 दिन कर सकते हैं आपको, मिड सीजन में भी 3 दिन कर सकते हैं, और स्टाइडिंग वगैरह होने से 4 वीक कर देते हैं, जो सिर्फ स्टाइडिंग है वो सब मिला के 4 वीक हो सकता है। 4 नहीं करना, हाई इंटेंसिटी नहीं है, हाई इंटेंसिटी 3 ही कर रहे हैं, और 2 भी कर सकते हो। अच्छा, कि इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि 800 मीटर इनका क्या, 4 स्पीड वर्कआउट करेंगे तब इनका वो मतलब कि बैलेंस रहेगा। अभी आपका है 3000 मीटर करीब हो गया, समझ आइए आपको 10,000 के मीटर के बराबर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वही ना, तो हर चीज़ को मिला के फिर आप आ रहे हो तो इंडोरेंस में ही आ जा रहे हो ना, तो इसलिए आपको अगर अभी 3000 मीटर करीब ये 10,000 मीटर ये सब मतलब इंडोरेंस तो उसमें पक्का है, स्पीड इंडोरेंस तो पक्का चाहिए, तभी जाके आप रेस लगाओ। ये क्या है कि जब आप ऑफ सीजन में मतलब कि इंडोरेंस वर्क कर रहे हो तो जैसे जैसे है तो जब आपका मिड सीजन मतलब कम से टाइम आएगा तो वो खुद ही जब आप मतलब इंडोरेंस कम करते हुए मतलब कि इतना भी कम नहीं करना है कि कम कर दोगे तो कंपटीशन के टाइम आपको क्या है कि ये रेस लग नहीं पाए, क्या कि उस टाइम कोई आपको बहुत ही मतलब इधर इंडोरेंस आपको अगर कंपटीशन आ गया तो इधर से आपको इंडोरेंस आपको अपना कम करना और उधर स्पीड को मतलब स्पीड इंडोरेंस में उसको डेवलप करना है। अब यहाँ आपको इंडोरेंस के किलोमीटर अपना है कम करते, जैसे 20 किलोमीटर आपने बताया, 20 से फिर उसको करो 18 पे, ये नहीं कि 20 से आप तुरंत 15 पे और 15 से तुरंत फिर 10 पे, ऐसे आप ये भी नहीं करना है। मतलब जैसे जैसे आप उधर स्पीड इंडोरेंस में जा रहे हो इधर आप इंडोरेंस को कम करना है। ये कि आप जैसे एक जब आप कोच के पास रहोगे वो आपका शेड्यूल प्रॉपर बताए बना के रखेगा, जैसे अभी आप लोग हैं जैसे कोच साहब हैं ये वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि मेरे बच्चे का कब कंपटीशन है, इसका कैसे कैसे मुझे इसका मतलब कि चार्ट बना के रखना है। मैंने ये चीज़ बताया था जो क्रिकेट और फुटबॉल, फुटबॉल भी एथलेटिक्स जैसे बहुत हाई फिटनेस इवेंट है, फुटबॉल भी इजी नहीं है, लेकिन फुटबॉल स्किल गेम है, स्किल गेम होने से वो 35-37 एज तक वगैरह चलते हो। आथलेटिक्स में मैराथन रनर्स भी रनर्स भी अभी 35-37 एज तक करते हैं, लेकिन जो स्प्रिंटर हो गया, मिड डिस्टेंस हो गया या जंबर्स हो गया, ये सब इतना लंबा नहीं चलता। और ये नहीं सोचना फुटबॉल इजी है, फुटबॉल बहुत टफ गेम है। मेरे सोचा भी